हेलो एवरीवन, आई एम साकेत वाजपेयी, डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून। वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द थर्ड लेक्चर ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो देखिए बच्चों, इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल सिस्टम के लिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ अगर Q1 था, यहाँ Q2 था, है ना, यहाँ पर Q3 था, तो इनकी वजह से इस P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हमने सीखा था, है ना। हम लोग अगर बोल देते थे कि Q1 से P की दूरी R1 है, उसी तरीके से Q2 से P की दूरी है मान लीजिए R2 है, और Q3 से P की दूरी कितनी है R3 है, तो हम लोग पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P क्या बोल देते थे, KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 और इसी तरीके से KQ3/R3, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था, अगर इस तरीके से डिस्क्रीट चार्जेस हो तो किस तरीके से किसी पॉइंट पी का पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग निकालने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिवाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन इंटू चार्ज एलिमेंट्स DQ दैट कैन बी ट्रीटेड एज पार्टिकल्स। क्लियर ही बात। तो सबसे पहले हमारे को एलिमेंट ढूंढने पड़ेंगे, है ना, चार्ज एलिमेंट्स DQ जिनको हम लोग किसकी तरह ट्रीट कर सके, पार्टिकल्स की तरह, क्लियर है। और उसकी वजह से हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, दैट इज KdQ/R, और फिर उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, है ना। तो वही लिखा है अगले पार्ट में, समिंग द पोटेंशियल ड्यू टू ईच एलिमेंट बाय इंटीग्रेटिंग ओवर द फुल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। तो चलिए बच्चों, इस टॉपिक को एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूं लाइन ऑफ चार्ज का, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं एक थिन नॉन कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ L है, और यहां पर यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी है लैम्डा। क्लियर है बात। तो अपने को बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ड्यू टू द रॉड एट पॉइंट P। तो देखिए बच्चों, जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस करा था, हमारे को इस रॉड को किसमें तोड़ना होगा, बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स में। क्लियर है। तो ऐसा करने के लिए एक काम करते हैं, पी पॉइंट से जाते हैं किसी एक्स दूरी पर, क्लियर ही बात, और फर्दर, है ना, यहां से हम लोग क्या करेंगे, और डीएक्स और आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपने को एक बहुत छोटे लेंथ का एलिमेंट मिल गया, है ना, जिसकी लेंथ कितनी है, डीएक्स है, और हम लोग समझ पा रहे हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ तो लैम्डा दिया था, तो इस डीएक्स लेंथ के पास चार्ज डीक्यू कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा लैम्डा इंटू डीएक्स के बराबर। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि इस डीक्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा, तो डीवी बराबर हो जाएगा KdQ/x। अब यहां पर क्या करेंगे, डीक्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज लैम्डा डीएक्स, है ना। तो यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं कि अब अपने को क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि वी क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा K λ इंटीग्रेशन ऑफ DX/x। अब एक्स को कहां से कहां वेरी करवाएं, तो देखिए एक्स लेने की शुरुआत हमने पी पॉइंट से करी थी, तो सबसे पहला एलिमेंट अपने को मिलेगा डी डिस्टेंस दूरी पर, और आखिरी एलिमेंट मिलेगा अपने को कितनी दूरी पर, D+L दूरी पर। तो इसी वजह से हम लोग लिमिट रखेंगे कितनी, डी से लेकर के D+L तक की। तो यहां से देखिए बच्चों, हमारे पास वी कितना आ जाएगा, Kλ dx/x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x, और इसमें लिमिट पुट करनी है कहां से कहां तक, डी से D+L तक। तो ये हो जाएगा Kλ ln of D+L −ln D करेंगे, मतलब ये यहां पर अपॉन D के टर्म्स में आ जाएगा। क्लियर ही बात। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट केस की, जो कि है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है, R, और यहां पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ है, लैम्डा। अब अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस जेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग ऑन द सेंट्रल एक्सिस। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट पी है, ये सेंटर से कितनी दूरी पर है, जेड दूरी पर है, और अपने को यहां पर ये जो रिंग है उसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दे रखा है। क्लियर ही बात। तो यहां पर कैलकुलेशन बहुत ईजी होने वाली है, क्योंकि देखिए बच्चों, आप मान लीजिए कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं जिसके पास चार्ज डी क्यू है, तो इस एलिमेंट की जो पी पॉइंट से दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी। तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और ये जो दूरी है वो बेसिकली हाइपोटेनस है,
तो ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है? आप कोई भी एलिमेंट लेंगे इस रिंग पे तो सबके लिए पी पॉइंट की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही आएगी। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि डी बी बराबर हो जाएगा के डी क्यू अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो यहां पर देखिए अगर हम लोग इसे इंटीग्रेट करें तो v बराबर आ जाएगा k अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो बाहर आ गए और बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dq। ठीक है, तो ये हो जाएगा k अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज जो कि रिंग के ऊपर है दैट इज लैम्डा इंटू टू पाई आर के बराबर। ठीक है, चलिए बच्चों तो अब एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है अ पॉइंट चार्ज q नॉट इज मूव्ड स्लोली from the center of a ring capital R that is carrying a charge small q to a distance x from its center along its axis, what is the work done by the external agent in this process? तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज q नॉट कहां पर है, वो है एट द सेंटर ऑफ द रिंग और इस रिंग के पास खुद भी चार्ज कितना है, स्मॉल q है। क्लियर ही बात? तो अब हमारे को क्या करना है, इस q नॉट को कहां से कहां ले जाना है, सेंटर ऑफ द रिंग से x दूर ले जाना है अलोंग दी एक्सिस, कुछ इस तरीके से सच दैट की ये q नॉट अब यहां पर आ जाए। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लोग समझ सकते हैं कि सिर्फ हमारे को चार्ज को उठा करके यहां पर रखना है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज का तो जिक्र नहीं है, इसका मतलब डेल्टा के को क्या लिखा जा सकता है, जीरो लिखा जा सकता है। तो ऐसे केस में हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। क्लियर ही बात? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, जिस चार्ज को ले जा रहे हैं दैट इज क्यू नॉट को मल्टीप्लाइड बाय जो चेंज इन पोटेंशियल है। तो देखिए बच्चों यहां पर आपको समझना होगा कि जो पोटेंशियल पॉइंट्स के क्रिएट हो रहे हैं वो क्यू की वजह से क्रिएट हो रहे हैं और क्यू नॉट तो बस एक विजिटर की तरह उन जगहों को विजिट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस वजह से हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर हो जाएगा क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय अब पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, Q नॉट मल्टीप्लाइड बाय V फाइनल। तो देखिए जो फाइनल पॉइंट है वो तो ये वाला पॉइंट हो गया, तो यहां का पोटेंशियल Q की वजह से कितना क्रिएट हो जाएगा, तो वो हम लोग जानते हैं कि वो हो जाएगा के क्यू अपॉन कितनी दूरी है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं यहां पर लिखेंगे अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो देखिए बच्चों ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट जो इस रिंग पे है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि उसकी दूरी इस पॉइंट से कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही तो है। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ वी इनिशियल, तो जो इनिशियल पॉइंट है वो तो सेंटर ऑफ द रिंग हो गया, तो वो पॉइंट जो हम लोग देख पा रहे हैं कि रिंग के हर एक पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो वो आर दूरी पर है, तो इसीलिए यहां पर लिखेंगे के क्यू अपॉन आर। क्लियर ही बात? तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइनली कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर। क्लियर ही बात? तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो अब बच्चों देखिए हम लोग केस देखने वाले हैं चार्ज्ड डिस्क का। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं एक प्लास्टिक डिस्क है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, चार्ज्ड ऑन इट्स टॉप सर्फेस टू अ यूनिफॉर्म सर्फेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। Now we wish to find the potential V at a point P on the central axis of the disk, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम लोग निकालना चाहते हैं इस डिस्क की वजह से पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम को देख करके समझ में भी आ गया होगा, हमारे को एलिमेंटल रिंग्स ढूंढने हैं, क्योंकि एक रिंग की वजह से कितना पोटेंशियल आता है वो तो हमें मालूम है। क्लियर है? तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, किसी आर डैश दूरी पर जा रहे हैं और वहां से कितना और आगे जा रहे हैं, डी आर डैश। क्लियर है? और इस डी आर डैश थिकनेस का यूज करके हम लोग एक रिंग बना ले रहे हैं। क्लियर है ना? तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस रिंग की वजह से पहले पोटेंशियल लिख देंगे, है ना? तो डी वी बराबर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा के डी क्यू अपॉन, यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो पॉइंट पी की दूरी है ना किसी भी एलिमेंट ऑन द रिंग से, तो वो कितनी है, स्मॉल आर है, तो इसे मैं स्मॉल आर लिख देता हूं। क्लियर है ये बात? तो अब देखिए बच्चों यहां पर dq को क्या लिखा जा सकता है, तो देखिए चार्ज पर यूनिट एरिया अपने को सिग्मा दे रखा है, तो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये जो ऑरेंज कलर का जो पोर्शन है उसका एरिया कितना होगा, तो उसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर डैश
मल्टीप्लाइड बाय इसकी थिकनेस, दैट इज डी आर डैश। क्लियर ही बात। अगर आप इस रिंग को खोल देंगे, है ना, अगर आप इस रिंग को खोल देंगे तो आपको इस तरीके का रेक्टेंगल ही तो मिलेगा। क्लियर है। जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2πr' और थिकनेस हो जाएगी dr'। तो इसका एरिया जो है ना, वो तो यही हो जाएगा। क्लियर है बात। तो इसीलिए हम लोगों ने सिग्मा इंटू एरिया के लिए ये यूज करा। ऑल राइट। अब यहां पर स्मॉल r देखिए, स्मॉल r को क्या लिखा जा सकता है, तो स्मॉल r को देखिए लिखा जा सकता है अंडर द रूट ऑफ कितना, तो जेड स्क्वेयर प्लस आर डैश का स्क्वेयर। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, अपने पास dv फाइनली कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा k मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा इंटू 2πr' dr' अपॉन अंडर द रूट ऑफ जेड स्क्वेयर प्लस आर डैश का स्क्वेयर। अब देखिए बच्चों, इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे को जेड स्क्वेयर प्लस आर डैश स्क्वेयर इसे मान लेना होगा कितना, इसे मान लेना होगा स्मॉल r का स्क्वेयर, जैसा कि हमने डायग्राम में भी माना था, है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं हाइपोटेनस यहां पर स्मॉल r था। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, 2r डैश dr डैश बराबर 2 स्मॉल r dr। ठीक है, मतलब अपने को r डैश dr डैश का रिप्लेसमेंट मिल गया क्या, r dr। ठीक है, तो यहां से dv बराबर क्या आ जाएगा, तो k सिग्मा 2π, ये तो कांस्टेंट थे, तो यहां पर r डैश dr डैश के बदले क्या आ जाएगा, स्मॉल r dr अपॉन अंडर रूट z स्क्वायर प्लस r डैश स्क्वायर के बदले आ जाएगा क्या, तो अंडर रूट स्मॉल r स्क्वायर, जो कि बन जाएगा r। तो यहां से देखिए r से r तो कट ही गए, क्लियर है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास आ जाएगा dv इज इक्वल टू k सिग्मा 2π और यहां पर dr आ गया। अब अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, k सिग्मा 2π r। क्लियर है। अब यहां पर देखिए हमारे को क्या करना होगा, यहां पर हमारे को जो है r को वापस कन्वर्ट कर देना होगा किसमें, तो r था हमारा अंडर द रूट ऑफ कितना, r डैश का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा k सिग्मा 2π अंडर द रूट ऑफ r डैश का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, और इसमें हमारे को लिमिट भी पुट करनी होगी, है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि r डैश जो है वो कहां से कहां वेरी करेगा, तो r डैश वेरी करेगा 0 से लेकर के कैपिटल r तक। क्लियर है। तो यहां से देखिए हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, तो k को अगर मैं लिख दूं 1/4πε0, यहां आ जाएगा सिग्मा, यहां आ जाएगा 2π, और फिर क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ इधर लिख देंगे r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस इधर क्या आ जाएगा, तो जब r डैश की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये सिंपली बन जाएगा z। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0 मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस z। क्लियर है। तो यही हो जाएगा बच्चों इस डिस्क की वजह से पोटेंशियल। ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेटिंग द फील्ड फ्रॉम द पोटेंशियल। तो देखिए बच्चों, इस डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट पी है जहां पर फील्ड कैसी है, ई वेक्टर है। अब यहां पर हम लोग एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लाए और क्यू नॉट को हम लोग डिस्प्लेस करवा रहे हैं डीएस वेक्टर से, सच दैट कि ये जो डायरेक्शन है ना, ये जो डायरेक्शन है ये थीटा एंगल बना रही है इस जगह पर जो फील्ड है उसके साथ। क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, यहां पर एक ऑलरेडी फील्ड है इस जगह पर और हम लोग एक टेस्ट चार्ज को लाए क्यू नॉट को और उसको क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं सच दैट की जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है। ऑल राइट। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, वर्क डन बाय द फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। क्लियर है। तो वही यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि dW जो फील्ड का है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ dU के, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यू नॉट इंटू डीवी के। तो वही चीज देखिए यहां पर लिखी हुई है। साथ ही साथ हम लोग वर्क डन को और क्या बोल सकते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो क्यू नॉट इंटू ई क्या हो गया, ये हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डीएस का, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, थीटा। तो यहां पर कॉस थीटा भी आ गया। ऑल राइट। तो देखिए बच्चों, यहां से हमारे पास क्या आ गया, ई कॉस थीटा की वैल्यू आ गई माइनस डीवी बाय डीएस के। क्लियर ही बात। अब ये ई कॉस थीटा बच्चों क्या है, तो ई कॉस थीटा बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कॉम्पोनेंट जो कि किसकी डायरेक्शन में है, डीएस वेक्टर की डायरेक्शन में। क्लियर ही बात। तो बच्चों जैसा कि अब तक हमने देखा कि ये जो ई कॉस थीटा, ये क्या है, कॉम्पोनेंट ऑफ ई वेक्टर, डीएस वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो इसे हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ई एस इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एस।
तो देखिए बच्चों, यहां पर जो है हमने एक सबस्क्रिप्ट ऐड किया है टू ई, है ना, इसीलिए यहां पर ई एस लिखा है, क्लियर है। और साथ ही साथ हमने यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव सिंबल्स का यूज करा है ना, यहां डेल वी बाय डेल एस यूज करा है। ऐसा क्यों करा है बच्चों? टू एम्फेसाइज दैट ये जो इक्वेशन हमने लिखी, ये क्या इन्वॉल्व करती है? सिर्फ वेरिएशन ऑफ वी अलोंग अ स्पेसिफाइड एक्सिस, जिसे हमने यहां पर डायग्राम में एस एक्सिस से शो करा था। तो इस डायरेक्शन में बस हम लोग क्या देख रहे हैं कि वी का वेरिएशन कैसा है, बात समझ में आ रही है? तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वी का वेरिएशन कैसा है वो हमारे को बताता है क्या कि ई वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कैसा है, ठीक है। तो बच्चों आपको जिस भी डायरेक्शन में फील्ड चाहिए आपको क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि पोटेंशियल किस रेट से वेरी कर रहा है। तो वही यहां लिखा है द कॉम्पोनेंट ऑफ ई वेक्टर इन एनी डायरेक्शन वो क्या होता है, इज द नेगेटिव ऑफ द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंजेस विथ डिस्टेंस इन दैट डायरेक्शन। ऑलराइट, इसी तरीके से बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आपको यह हासिल करना है कि एक्स के लॉन्ग जो है फील्ड का कॉम्पोनेंट कितना है, तो आप माइनस डेल वी बाय डेल एक्स करेंगे, वाई के लॉन्ग के लिए माइनस डेल वी बाय डेल वाई, और जेड के लॉन्ग हासिल करने के लिए माइनस डेल वी बाय डेल जेड। इसी तरीके से आप किसी भी डायरेक्शन में फील्ड के कॉम्पोनेंट को हासिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको ई एक्स भी मिल जाए, ई वाई भी मिल जाए, ई जेड भी मिल जाए, तो इसका मतलब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो मिल गई। तो वही यहां लिखा है, दस इफ वी नो वी फॉर ऑल पॉइंट्स इन द रीजन अराउंड अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज इफ वी नो द फंक्शन वी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, वी कैन फाइंड द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ई वेक्टर, और इवेंचुअली इससे क्या मिल जाएगा, ई वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों कि अगर आपको ई एक्स ई वाई ई जेड मिल गया तो ई वेक्टर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो एक बहुत ही सिंपल सा केस लेते हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, क्लियर एक बात। तो यहां पर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चों, अगर मैं इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस बोल दे रहा हूं, तो आप यहां पर यह समझ पा रहे हैं कि जो ई वाई है ना, वो तो जीरो है, क्योंकि यहां पर फील्ड जो है वो पूरी की पूरी किस डायरेक्शन में है, फील्ड जो है वो पूरी की पूरी जो है वो एक्स डायरेक्शन में, क्लियर एक बात। तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ई वाई जो है ना, वो जीरो है, और लेकिन ई वाई को क्या लिखा जा सकता है, माइनस डेल वी बाय डेल वाई, क्लियर ही बात। तो इसका मतलब ये हो गया कि चूंकि ई वाई जीरो है, इस वजह से वाई के अलोंग कोई भी पोटेंशियल में चेंज नहीं आने वाला है, क्लियर ही बात। तो यहां पर जो हम लोग ये वर्टिकल सर्फेसेस देख पा रहे हैं, तो ये कैसी कहलाएंगी, इक्विपोटेंशियल कहलाएंगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में हम लोग देख पा रहे हैं कि कोई भी पोटेंशियल में चेंज आ ही नहीं रहा है, तो सारे के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसी वजह से ऐसे सरफेस को हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, और उनकी खासियत क्या होती है कि वो फील्ड की डायरेक्शन के क्या होते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं। ऑल राइट, तो देखिए बच्चों, अब अगर हम लोग बिल्कुल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस लें, अगर क्लियर है, अगर फील्ड कैसी है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग ए से बी जा रहे हैं, अगर हम लोग ए से बी जा रहे हैं सच दैट की ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, डेल्टा एस है, तो यहां पर अगर हम लोग इस डायरेक्शन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ई एस बराबर माइनस डेल वी बाय डेल एस वाला। तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ई एस जो है ना, वही तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस, क्योंकि यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि फील्ड जो है वो वेरिएबल नहीं बल्कि यूनिफॉर्म है। तो वही यहां लिखा है ई इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस आ गया, जिसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा वी कितना आ गया, माइनस ऑफ ई इंटू डेल्टा एस। इसका मतलब ये हो गया कि वी बी माइनस वी ए बराबर कितना आ जाएगा, ई इंटू डेल्टा एस विथ अ नेगेटिव साइन। जिसका मतलब क्या हो गया, जिसका मतलब ये हो गया कि अगर आप फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्लियर ही बात। तो बी का पोटेंशियल क्या है, बी का पोटेंशियल जो है वो कम है ए के पोटेंशियल से, है ना, यही यहां पर जो माइनस साइन है वो बता रहा है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, क्लियर है। ये मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाई है जो कि फील्ड के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो वही यहां लिखा है ई इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस, जहां पर एस क्या है, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, हमने इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को एस कहा है, ठीक है।
द कॉम्पोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन एनी डायरेक्शन पैरेलल टू द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बिकॉज देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल अलोंग द सर्फेसेस। ठीक है तो बच्चों चलिए फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा था सबसे पहले कि फील्ड जैसे इस डायरेक्शन में थी और हम लोग एस वाली डायरेक्शन में जाना चाह रहे थे, तो हम लोगों ने यहां पर क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि डीवी बराबर क्या आ गया था, माइनस ई इंटू डीएस इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि डीवी है ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो कैसे निकाला जाए, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको क्या चाहिए, फील्ड का कॉम्पोनेंट चाहिए, दैट इज ई कॉस थीटा चाहिए। उसे आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, डीएस जितना आप ट्रैवल कर रहे हैं, और एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। तो यहां पर डीवी बराबर माइनस ई कॉस थीटा इंटू डीएस का क्या मतलब था, इसका ये मतलब था कि ये जो डीवी है ना ये हम लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए देख रहे हैं, है ना कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है चेंज इन पोटेंशियल कितने का आ रहा है, और उसके लिए जिम्मेदार कौन सा फील्ड का कॉम्पोनेंट था, तो फील्ड का वो कॉम्पोनेंट था जो इस डायरेक्शन के पैरेलल था, दैट इज ई कॉस थीटा, और साथ ही साथ फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल कम होता है। तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि किसी भी डायरेक्शन में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाह रहे हैं तो आपको फील्ड का वो कॉम्पोनेंट चाहिए जो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, और दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल कम होता है। ठीक है चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है फिगर शोज टू मेटालिक प्लेट्स ए एंड बी प्लेस पैरेलल टू ईच अदर एट अ सेपरेशन इन डी। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट्स बिटवीन द प्लेट्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो देखिए बच्चों यहां पर बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि फील्ड जो है वो तो यूनिफॉर्म है, तो अगर इस पॉइंट के पोटेंशियल को मैं वी बी कह रहा हूं और इस पॉइंट के पोटेंशियल को मैं वी ए कह रहा हूं, तो बड़े आराम से हम लोग समझ सकते हैं कि कौन हायर पोटेंशियल पे होगा। तो ये बड़े इजीली हम लोग कह सकते हैं कि VB जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू VA, क्योंकि फील्ड के अलोंग जाने पे पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। क्लियर ही बात, तो इसलिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि A का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग स्ट्रेट अवे यहां पर लिख देंगे VB माइनस VA बराबर कितना हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में हम लोग समझ पा रहे हैं कि फील्ड तो E है ना, और कितने का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो D का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहां पर VB माइनस VA को हमने स्ट्रेट अवे E इंटू D के बराबर लिख दिया। क्लियर है, क्योंकि LHS में मैंने ऑलरेडी क्या रखा है, पॉजिटिव चीज है ना, VB माइनस VA, तो राइट हैंड साइड में भी यहां पर क्या आ जाएगा, सिंपली E इंटू डी आ जाएगा। ऑल राइट तो देखिए बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने ES बराबर माइनस डेल वी बाय डेल एस वाला ही फॉर्मूला यूज करा, क्योंकि यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं वो किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फील्ड है, और यहां पर फील्ड के यूनिफॉर्म होने की वजह से ES को क्या लिख दिया गया, E लिख दिया गया, और यहां पर डेल वी को क्या लिख दिया गया, डेल्टा वी, और डेल एस को क्या लिख दिया गया, डेल्टा एस, जिसकी वैल्यू कितनी थी, जिसकी वैल्यू थी डी के बराबर। ठीक है, इसके अलावा बच्चों यहां पर अगर डेल्टा वी की बात करें तो डेल्टा वी को क्या लिखेंगे हम लोग, वी ए माइनस वी बी लिखेंगे। क्लियर है, तो इस तरीके से हमारा जवाब जो है क्या आ गया, वी बी माइनस वी ए बराबर ई इंटू डी के बराबर। ठीक है चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय ई वेक्टर इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स क्यूब बाय कैप, राइट अ सूटेबल एसआई यूनिट फॉर ए, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल इन द रीजन एज्यूमिंग द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो। तो देखिए बच्चों यहां पर अपने को दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ना वो कितना है, तो वो है ए अपॉन एक्स क्यूब, और उसकी डायरेक्शन कैसी है, तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। क्लियर ही बात, तो हम लोग यहां पर ये समझ पा रहे हैं कि एक्स जो है वो तो उस लोकेशन का क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स को तो हम लोग रखेंगे मीटर में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, तो वो होती है न्यूटन पर कूलम। तो यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो ए की एसआई यूनिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर क्यूब पर कूलम। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के ही अलोंग है, तो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि ई विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाय डीएक्स। क्लियर ये बात, तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ डीवी बराबर ई डीएक्स। क्लियर ये बात, अब अगर इसे हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो यहां पर देखिए अपने को दिया हुआ है कि इन्फिनिटी पे अपने को पोटेंशियल क्या मानना है, जीरो मानना है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को जीरो ले लेते हैं। क्लियर ये बात, अब अपने को क्या बताना है, पोटेंशियल इन द रीजन एज्यूमिंग द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो।
तो किसी एक्स पर पोटेंशियल मान लेते हैं कि वी हो गया, ठीक है। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वी इज इक्वल टू, अब e के बदले क्या लिख दे, तो यहां पर हम लोग e के बदले लिख देंगे a अपॉन एक्स क्यूब, तो ये बन गया a अपॉन एक्स क्यूब dx, और इसे इंटीग्रेट करना है इंफिनिटी से लेकर के x तक। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस वी इज इक्वल टू, अब a अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये x की पावर माइनस थ्री है, तो ये बन जाएगा x की पावर माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन, है ना, और इसमें लिमिट क्या पुट कर देंगे इंफिनिटी से x। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा a, और इधर क्या आ गया माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, और ये बन गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहां पर जब लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और वन अपॉन इन्फिनिटी जब आएगा तो उसे हम लोग जीरो कह देंगे, क्लियर है। तो ये सिर्फ इतना रह गया। तो यहां से देखिए जो पोटेंशियल है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या आ रहा है, तो ये आ जा रहा है a अपॉन टू एक्स का स्क्वायर, क्लियर है बात। तो ये हमने निकाल लिया v एज अ फंक्शन ऑफ x, एंड दिस इज आवर आंसर। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट्स इन द स्पेस, इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी जीरो, फाइंड द पोटेंशियल एट 2 मीटर, 2 मीटर। तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, वो कॉन्स्टेंट है, क्लियर है बात। x के लॉन्ग 20 आई कैप है और y के लॉन्ग 30 जे कैप है। अब अपने से ये कहा गया है कि x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, मतलब ओरिजिन का पोटेंशियल जो है वो जीरो एज्यूम करते हुए आपको 2.2 का पोटेंशियल बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं, हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि dv बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ e वेक्टर डॉट dr वेक्टर, क्लियर ही बात। अब यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि e वेक्टर तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, dv बराबर माइनस ऑफ e वेक्टर के बदले आ जाएगा 20 i कैप प्लस 30 j कैप, और अगर हम लोग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लें dx i कैप प्लस dy j कैप का, क्लियर ही बात। तो हम लोग dv बराबर इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहां से अपने पास क्या आ गया, dv इज इक्वल टू आ गया माइनस 20 dx माइनस 30 dy, क्लियर ही बात। तो अब अगर हम लोग इसे इंटीग्रेट कर दें, क्लियर ही बात, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर, x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग v को जीरो लिखा जा सकता है, और हमें निकालना कहां का पोटेंशियल है, x इक्वल टू टू, y इक्वल टू टू का, है ना, तो उसे मैं v लिख देता हूं। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 20 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और लिमिट पुट कर देंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा। उसी तरीके से यहां पर माइनस 30 इंटू 2 आ जाएगा, तो ये देखिए कितना आ गया, माइनस 20 इंटू 2 माइनस 40, और माइनस 30 इंटू 2 माइनस 60, मतलब ये माइनस 100 वोल्ट आ गया, क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों इसी सवाल को हम लोग सॉल्व करने का मेथड नंबर 2 देखने वाले, ठीक है। तो यहां पर आप ऐसे सोचिए कि अगर आप ओरिजिन पे थे और आप ओरिजिन से इस 2.2 पर जाना चाहते हैं, और यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो फील्ड है वो तो कंजर्वेटिव है, तो यहां पर आप कौन सा रास्ता चुन रहे हैं उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मान लीजिए पहले आप x एक्सिस के अलोंग गए x इक्वल टू 2 तक, क्लियर है बात, और उसके बाद आप वर्टिकली इस तरीके से ऊपर चले गए 2.2 तक। तो हम लोग यहां पर क्या समझ पा रहे हैं कि जब आप x एक्सिस के अलोंग चल रहे थे तो यहां पर फील्ड कैसी थी, तो फील्ड थी इस तरीके की, है ना, 20 आई कैप की, क्लियर है बात। और जब आप ऊपर जा रहे थे तो फील्ड कैसी थी, 30 जे कैप थी, है ना, 30 ऊपर की तरफ थी, यह 30 न्यूटन पर कूलम और यह 20 न्यूटन पर कूलम, फील्ड यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं बिल्कुल कांस्टेंट थी। तो यहां पर देखिए आप ये कह सकते हैं कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो फील्ड के अलोंग चलने पर पोटेंशियल कम होता है, क्लियर है बात। और यहां पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड होने से बड़ी आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ आप फील्ड को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितनी दूरी आप चल रहे हैं, ठीक है। जैसे यहां पर आप x इक्वल टू 2 तक जब गए तो आप 2 मीटर गए और फील्ड कितनी थी, 20, तो इसका मतलब कितने का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा सबसे पहले 20 इंटू 2 का, मतलब 40 का। तो यहां का पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा, क्लियर है ये बात, माइनस 40 वोल्ट हो जाएगा। उसी तरीके से जब आप यहां से ऊपर गए 2.2 तक, तो अगेन आप समझ पा रहे हैं कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, 2 मीटर ट्रेवल किए, और फील्ड कितनी थी, 30 थी, ठीक है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि कितने का फर्दर पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, तो 30 इंटू 2 का आ जाएगा, मतलब कि ये आ गया 60 का, क्लियर है बात।
तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि माइनस 40 में 60 और घटाएंगे तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस 100 वोल्ट। तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो तो बड़े आराम से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप एग्जिस्ट इन द स्पेस वेयर ए इज इक्वल टू 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। टेक द पोटेंशियल एट 10.20 मीटर टू बी जीरो। फाइंड द पोटेंशियल एट द ओरिजिन। तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं जो फील्ड है वो कैसी है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है बात? तो यहां पर हम लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं कि E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ डीवी बाय डीएक्स के बराबर। क्लियर है बात? तो यहां पर अपने को क्या निकालना है, पोटेंशियल एट द ओरिजिन निकालना है। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डीएक्स हो जाएगा। क्लियर है बात? और यहां पर अगर हम लोग ई की वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ए एक्स डी एक्स। क्लियर है बात? तो देखिए बच्चों यहां पर जो अपने को दिया हुआ है उसका यूज करेंगे, दैट इज पोटेंशियल एट 10.20 का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, डीवी बराबर माइनस ए एक्स डी एक्स, और यहां पर इसे इंटीग्रेट कर देंगे ना। तो अपने को एक्स बराबर 10 के लिए कहा गया है कि पोटेंशियल कितना है, जीरो है। तो यहां पर एक्स इक्वल टू 10 के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल जीरो लिख दिए। अब ओरिजिन के लिए बोला है तो एक्स इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल अपने को निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं ना। तो यहां से अपने पास आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस, यहां पर क्या लिख देंगे, माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, और यहां पर लिमिट हो जाएगी 10 से 0। तो यहां पर देखिए अपने पास क्या आ जाएगा लिमिट पुट करने के बाद, तो ये आ जाएगा a इंटू 10 का स्क्वायर दैट इज 100 अपॉन टू, है ना, 100 अपॉन टू इज 50। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों अपने को a की वैल्यू दे रखी थी 10, तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि पोटेंशियल ओरिजिन का है ना कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 500 वोल्ट्स के बराबर। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्टिंग इन स्पेस इज वी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू ए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। पहला पार्ट है सवाल का, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। दूसरा है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। और तीसरा है इफ ए इज 10 एसआई यूनिट्स फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1.1.1 मीटर। तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि v अपने को क्या दे रखा है, तो वो दे रखा है a एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये वाला जो टर्म है ना, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, तो हम लोग समझ पा रहे हैं एक्स वाई जेड ये सारे के सारे जो हैं ये मीटर में होंगे अगर एसआई यूनिट की बात करें तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो यहां से a की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि V की SI यूनिट होती है वोल्ट, तो वोल्ट मीटर की पावर माइनस टू, तो वोल्ट पर मीटर स्क्वायर हो गया A की SI यूनिट। ठीक है, तो ये तो बच्चों अब तक हमने निकाल लिया SI यूनिट फॉर A। ठीक है, लेकिन अपने को सवाल के पहले पार्ट में डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना था A का। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि A का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर चाहिए तो पहले अपने को पोटेंशियल का क्या चाहिए होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। और मीटर स्क्वायर का तो चलिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। क्लियर ही बात? तो अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों अपने को किसी फॉर्मूले की सबसे पहले जरूरत पड़ेगी जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सके। तो हमारे को एक फॉर्मूला याद आ रहा है, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता था, डेल्टा यू अपॉन क्यू होता था। क्लियर ही बात? तो देखिए बच्चों डेल्टा यू तो एनर्जी को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो अपने को याद रहता है, वो क्या होगा, एम एल टू टी माइनस टू। क्लियर है? अब चार्ज के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, चार्ज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई टी। क्लियर है बात? तो यहां पर हम लोग समझ सकते हैं कि क्योंकि चार्ज क्या हो जाता है, करंट इंटू टाइम हो जाता है। क्लियर है ना? क्योंकि करंट की एक्चुअल में डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इस वजह से चार्ज के करस्पॉन्डिंग हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, आई टी। तो यहां से हम लोगों को क्या मिल गया, पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग जो है ना, जो डायमेंशनल फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, एम एल टू टी माइनस थ्री आई। क्लियर है बात? तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री आई, और यहां पर मीटर की पावर माइनस टू है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, एल माइनस टू। क्लियर है बात? तो यहां से ये क्या बन गया, ये बन गया
एम टी माइनस थ्री आई, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल जो है एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है, तो हम लोग को एक काम करना चाहिए, अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है तो सबसे पहले ई एक्स निकाल लेते हैं। ई एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। उसी तरीके से ई वाई और ई जेड भी निकाल लेते हैं। तो पहले ई एक्स अगर देखे तो माइनस डेल वी बाय डेल एक्स करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि v अपने को कितना दे रखा था, v अपने को दे रखा था a टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो अगर x को सिर्फ हम लोग वेरिएबल मानते हुए यहां पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग समझ पा रहे हैं वाई जेड वाला टर्म तो गायब हो जाएगा, और साथ ही साथ y और z भी यहां पर क्या होंगे, ये कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। क्लियर ही बात। तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि माइनस डेल वी बाय डेल एक्स कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ए, सबसे पहले बाहर आ जाएगा एक्स वाई का डिफरेंशिएशन वाई हो जाएगा, और वाई जेड का तो जीरो हो जाएगा, और जेड एक्स का हो जाएगा कितना, सिर्फ और सिर्फ जेड। क्लियर ही बात। तो यहां से देखिए बच्चों, अपने पास जो ई एक्स आ गया वो कितना आ गया, माइनस ए टाइम्स वाई प्लस जेड। क्लियर ही बात। इसी तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि ई वाई कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा माइनस ए टाइम्स जेड प्लस एक्स। और इसी तरीके से बच्चों ई जेड कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा माइनस ए टाइम्स वाई प्लस एक्स के बराबर, ठीक है। तो यहां से देखिए बच्चों, हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर कितना लिख सकते हैं, तो माइनस ए वाई प्लस जेड आई कैप माइनस ए जेड प्लस एक्स जे कैप, और फिर आ जाएगा माइनस ए वाई प्लस एक्स के कैप, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सवाल के तीसरे पार्ट में कहा गया था कि आप ए को कितना ले सकते हैं 10 एसआई यूनिट्स, और अपने को फिर बताना था मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,1 पे। तो देखिए बच्चों, यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं कि ई वेक्टर जो है वो कितना आ जाएगा, माइनस 10 टाइम्स 1 प्लस 1 दैट इज 2 इतना आई कैप। उसी तरीके से ये आ जाएगा माइनस 20 जे कैप, और फिर आ जाएगा माइनस 20 के कैप। तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि ई वेक्टर कितना है, माइनस 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप माइनस 20 के कैप। क्लियर ही बात। तो यहां से ई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। क्लियर है, जो कि कितना हो जाएगा 20 रूट 3 के बराबर, ठीक है। और चूंकि सब कुछ एसआई यूनिट में है, तो यहां पर जवाब भी एसआई यूनिट में आएगा, दैट इज न्यूटन पर कूलम्ब में, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इस लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल है, कंसिडर अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर यूनिफॉर्मली चार्ज विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, यूजिंग दिस एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो देखिए बच्चों, यहां पर अपने को एक सर्कुलर रिंग दे रखी है जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस अपने को दे रखी है स्मॉल आर, और इसे यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। क्लियर ही बात। अब हमसे पूछा गया है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उस एलिमेंट की दूरी जो है इस पॉइंट से कितनी हो जाएगी, तो इस पॉइंट से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसीलिए डीवी बराबर हो जाएगा के डी क्यू अपॉन ये जो दूरी है, दैट इज अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और सारे चार्ज पार्टिकल के लिए के अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इसीलिए पोटेंशियल जो है ना, हम लोग बड़े आराम से समझ पा रहे हैं कि जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आ जाएगा, के चार्ज ओवरऑल अगर इंटीग्रेट करके क्यू बोल दे रहे हैं तो क्यू अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और हम लोग बड़े आराम से समझ पा रहे हैं कि क्यू को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू टू पाई आर। अब देखिए बच्चों, सिमेट्री से हम लोग यहां पर ये चीज कह सकते हैं कि फील्ड कैसी होगी, फील्ड यहां पर इस तरीके से धक्के वाली होगी, है ना, सिमेट्री की वजह से। तो हम लोग यहां पर सोच पा रहे हैं कि फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इस वजह से हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि जो ई है वो कितना हो जाएगा, माइनस डीवी बाय डीएक्स के बराबर। क्लियर ही बात। मतलब इस लोकेशन पर हम लोग यहां पर चेक करना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, dv by dx को क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल का ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहां पर v क्या है, kq upon under root x square plus r square। तो अब हम लोग x को क्या मान लेंगे, वेरिएबल मान लेंगे, क्योंकि x के साथ हम लोग पोटेंशियल किस तरीके से चेंज हो रहा है वो देखना चाह रहे हैं।
तो यहां पर आ जाएगा के क्यू माइनस साइन तो है ही, अब वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, ठीक है। तो वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले हमारे को समझ में आ रहा है कि समथिंग की पावर माइनस हाफ है, तो पहले माइनस हाफ यहां पर आ जाएगा, क्लियर ही बात। और उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर ऑलरेडी क्या था, ये माइनस हाफ, उसमें से वन घटाना पड़ेगा, और फिर चेन रूल से अंदर वाले टर्म का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, दैट इज टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास e बराबर क्या आ गया, तो e बराबर हम लोग देख पा रहे हैं माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, टू से टू कट जाएगा, तो ये हो गया के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू। तो बच्चों आपको याद भी आ रहा होगा कि ये एक्सप्रेशन जो है हम लोगों ने पहले भी निकाल रखा है यूजिंग इंटीग्रेशन, और यहां पर हम लोग डिफ्रेंशिएशन की मदद से देखिए किस तरीके से आंसर निकाल पा रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये थर्ड लेक्चर जो है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।